Welcome to Ziro. Hi guys, welcome back to Travelocorn. This is Zoha and today I am traveling with a bunch of crazy travelers and Instagrammers. And we have our train by 9:30 to Ziro Valley. To a station called Nahar Lagoon. And then from there we'll take a cab and go. So abhi filhal to train mein kafi time hai. We'll just sit. ये लगेज देखो। फिर 3 घंटे ट्रेन का इंतजार करते करते 4 नए दोस्त बनाए और ठंडी हवा, प्यारा म्यूजिक और अधूरी नींद के साथ पहुंच गए नाहर लगून रेलवे स्टेशन। गुड मॉर्निंग, वी आर फाइनली हियर एट द प्लेस कॉल्ड नाहर लगून। दिस इज आवर ट्रेन, इट्स अराउंड 5:10। अभी यहाँ से विल टेक द कैब एंड वी गो टू द कैंपसाइट डायरेक्टली और दैट विल टेक अस लाइक 5 घंटे। फिर सामान उठाया और चल दिए सफर के अगले पड़ाव पर। ऐसे तो सबने पहले ही अलर्ट कर दिया था कि ये रास्ते थोड़े तंग करेंगे, पर ये एहसास असल में तब हुआ जब मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि क्या मैं पक्का कैब में हूँ या फिर ये कोई रोलर कोस्टर है। मगर इन खूबसूरत नज़ारों ने दिल लगे रहने में कोई कसर नहीं छोड़ी। गाने सुनते हुए और गुनगुनाते मेरी कब आँख लग गई कि मुझे पता ही नहीं चला। और जब आँख खुली तो ज़ीरो के नज़ारों ने ऐसा एहसास दिया कि मानो मैं अभी भी कोई सपना देख रही हूँ। हाय गाइस, सो वी हैव फाइनली रीच द कैंप साइट और अभी मैं अपने कैंप के काइंड ऑफ अंदर ही बैठी हूँ। आई वाज जस्ट अरेंजिंग माय स्टफ और बहुत सामान है मेरे पास, लाइक ये त्रिशिता का बैग है वो मेरा बैग फट गया है, देन दिस इज माय बैग पैक एंड देन दिस त्रिशिता स्टफ। सो वी हैव अ लॉट ऑफ स्टफ एंड लेट्स सी। वैसे तो इट्स दैट कि हमें ये लाइक टेंट शेयर करना है, बट वी आर प्लानिंग ऑन गेटिंग अ सेपरेट टेंट। टिल देन आई विल जस्ट गेट रेडी एंड आई विल मीट यू गाइस डायरेक्टली एट द इवेंट। हेलो, सो आई फाइनली गॉट रेडी और अभी रास्ते में है। वी आर गोइंग टूवर्ड्स द ज़ीरो फेस्टिवल म्यूजिक जहाँ पे हो रहा है, जो ग्राउंड में हो रहा है। एंड इट रेन्ड अगेन, बहुत सारा कीचड़, बट इट्स फाइन। ऐसा भी एक्सपीरियंस हो गया है कीचड़ में, भरे हुए कीचड़ में चलने का। सो वहाँ जाएंगे। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ म्यूजिक फेस्टिवल्स, बट आज लकी अली आ रहे हैं। सो ऑब्वियसली माई फ्रेंड्स वर सो एक्साइटेड अबाउट इट दैट इवन दो आई वॉजंट एक्साइटेड इनिशियली, बट अब बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज दे आर एक्साइटेड। उनका एक्साइटमेंट देखे है ना नहीं हारेगा। यस एंड यू ऑलरेडी नो त्रिशता, कितने बार में तेरे कैमियो साइड एंड दैट्स शक्तिमान विथ ऑल द इक्विपमेंट्स। अरे कितनी जल्दी असेंस करती है ये सब, तेरे टेंट है। अच्छा ये रचिता है। अच्छा वन मोर ब्लॉगर, दैट्स रचिता। यूजर नेम क्या है? मी एंडर एंड वंडर द इफी एक्सप्लोरर एंड ये अपना या ओ मेरा चालू करते टाइम एक ही कपड़ा एक हफ्ता चलता है। फिर हम कैंप से निकले और कीचड़ में चलते हुए पहुंच गए मेन रोड पर अपनी सवारी का इंतजार करते हुए। फिर हिच हाइक करते हुए पहुंच गए हम ज़ीरो ग्राउंड। ओह द स्काई लुक्स सो प्रिटी, पर नीचे बहुत कीचड़ है। सो कीचड़ वर्सेस ब्यूटीफुल स्काई। Finally here at the festival, मतलब अभी एंटर नहीं किया, वी आर जस्ट अबाउट टू एंटर एंड लुक एट द स्काई, इट लुक्स सो ब्लू, सच ब्यूटीफुल स्काई मैन। ज़ीरो ग्राउंड पहुंचकर लगा कि मानो मैं किसी नई दुनिया में आ गई हूँ, एक खुशहाल सी दुनिया। बड़े हो या बच्चे, सब खुशी में मगन थे। सच बोलूं तो ज़ीरो की वाइब्स ही अलग थी।
दैट इज द मून स्टेज. यहाँ पे दो स्टेजेस हैं, एक मून स्टेज और एक सन स्टेज. दिस इज द मून स्टेज. सन स्टेज इज अभी. एंड जीरो फेस्टिवल इज एक्चुअली अ फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक, बट इट इज नॉट जस्ट दैट. मतलब इट्स अ मिक्सचर ऑफ अ लॉट ऑफ कल्चर्स, पीपल. देयर आर सो मेनी फूड स्टॉल्स, वाइन स्टॉल्स, दैट यू कैन से अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. एवरीबडी इज सो एक्साइटेड. कल यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं थी एंड टुडे इट्स सो क्राउडेड. जस्ट सी, मतलब अभी लकी अली का कॉन्सर्ट स्टार्ट, मतलब शो स्टार्ट होने में भी देयर लाइक 3 hours, बट पीपल हैव ऑलरेडी गैदर्ड, क्योंकि उनको बाद में उतना मौका नहीं मिलेगा. ज़ीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूज़िक, मैंने सोचा कि ये एक म्यूज़िक फेस्टिवल है, हल्ला गुल्ला नाच गाना बस इतना ही तो होगा. पर यहाँ आकर देखा तो अनजान दोस्तों से भी ज़्यादा दोस्ती निभा रहे थे. लोग सुकून से बैठकर म्यूज़िक की दुनिया में खोए हुए थे. सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ खाने पीने का भी काफ़ी उम्दा इंतज़ाम था. हर तरफ लोग अलग अलग कुजीन ट्राई करने में लगे हुए थे, चाहे वो कॉकरोच हो या लॉबस्टर, सब मज़े से खा रहे थे. और सच बताऊँ तो बैम्बू ग्लास में मिलने वाले ये फ्रूट वाइन तो सबकी फेवरेट थी. अगल बगल के लोगों की खुशियां निहारते 3 घंटे कैसे गुजर गए कि पता ही नहीं चला. और अब वक्त था लकी अली का. वापस आकर कैंप साइट में लगे बॉनफायर ने बची हुई कसर पूरी कर दी और इस दिन को हमेशा के लिए यादगार बना दिया. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें. सब्सक्राइब कर देंगे तो और भी अच्छा है. बाय.